सुंदरनगर सहायक सेवा समिति द्वारा ब्यास व्यू गेस्ट हाउस में अर्धवार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें पिछले 8 वर्षों के दौरान सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए मुख्य अतिथि हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश सेन द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता व पत्रकार अश्विनी सैनी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि अश्विनी सैनी विभिन्न सामाजिक, धार्मिक व अन्य संस्थाओं शौकिया रूप से पत्रकार होने के साथ साथ सफल व्यवसायी भी हैं। अधिवेशन के दौरान समिति की महासचिव के एस जम्बाल ने पिछले 6 महीनों को लेखा जोखा पेश किया और जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जरूरतमंदों के उपचार पर पिछले 6 माह में तकरीबन 50,000 खर्च किए गए हैं। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में 47 छात्र छात्राओं पर 1,15,897 की राशि व्यय की गई है और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में गरीब परिवार की कन्याओं की शादी पर 42,150 की राशि खर्च की गई है। इस तरह से कुल 6 माह में 2,82,000 रूपए विभिन्न मदों पर खर्च किए गए हैं। समिति की ओर से सराहनीय कार्यो के लिए रोशन लाल, खजार सिंह राघव सहित प्रेमलाल सैनी को भी सम्मानित किया गया। ये जानकारी देते हुए समिति की प्रेस सचिव रोमा देवी ने बताया कि इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष व मुख्य संरक्षक जनक राज सेन, सलाहकार सीएल गुप्ता, कोषाध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता, उप प्रधान पूजा वालिया सहित अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। डॉक्टर रमेश सैन ने बताया कि 14% लोग विश्व में घुटनों की बीमारी से पीड़ित हैं। घुटनों के खिंचाव बढ़ाव के चलते सर्जरी की नौबत आ जाती है, जिससे बचाव के लिए वजन कम करें, सैर करें, स्विमिंग करें, साइकिलिंग 30 मिनट प्रतिदिन एक्सरसाइज करें, खुराक में सब्जियां फल को शामिल करें। सहाय समिति की जो आज का जो फंक्शन था, उसमें मुझे मौका मिला अपने लोगों से बात करने का और स्पेशली ये बताने का कि हमारी जो समस्याएं होती है शारीरिक में, जैसे कि घुटने की समस्या जो एक बहुत बड़ी समस्या है, उस समस्या को से निजात पाया जा सकता है, उस समस्या का हल किया जा सकता है एक प्रॉपर से ढंग से इलाज करके, जिसमें कि हमारे उसमें एक्सरसाइज जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दवाइयों का रोल है, हर चीज़ का रोल है, लेकिन उनका रोल इसलिए है कि वो हमारे एक्सरसाइज करना आसान बना सके। अगर हम जो भी डॉक्टर की सलाह हो उसमें जो एक्सरसाइज का जो एलिमेंट कहा जाता है हम उसको समझें, और दवाइयों के बाद जैसे घुटना फिट होता है उसमें हम अगर एक्सरसाइज करें तो घुटने की जो बहुत बड़ी समस्या है उसको बढ़ने से हम रोक सकते हैं। इस तरह हम फ्यूचर में घुटना बदलने से भी बचा सकते हैं और अपने घुटने की फिटनेस को भी बेटर कर सकते हैं। सो हमें ये समझना है कि एक्सरसाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ बॉडी वेट को कम करना, एक अच्छी न्यूट्रिशन का रखना और एक सही संतुलित ढंग से अपने जीवन को सेटल करना इम्पॉर्टेंट है अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए।